हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं अंधविश्वास की चीटें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और मैंने ये सेकेंड यूनिट टेस्ट का भी सिलेबस दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था अंधविश्वास क्या होता है और अंधविश्वास मतलब किस तरह हमारे मानव समाज के लिए एक अभिशाप है और ये मतलब बढ़ती हुई प्रगति में, हमारी प्रगति में एक तरह का रुकावट है, ठीक है। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत मतलब भयानक समस्या है जिसे दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, पेज नंबर 102, अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा अफवाह किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो विश्वास या धारणा तर्क आधारित नहीं है, ठीक है, विज्ञान जिन विश्वासों या धारणाओं को असत्य प्रमाणित कर चुका है वे अंधविश्वास कहलाते हैं। मतलब कि जो विश्वास जो तर्क रहित है, मतलब जिसका कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई मतलब रियलिटी नहीं है और जिसे विज्ञान ने भी मतलब असत्य मतलब झूठ प्रमाणित कर दिया है, विज्ञान ने भी ये उन चीज़ों को अमान्य कर दिया है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, अंधविश्वास कहलाती हैं, ठीक है। समाज में प्रचलित कुछ रीति रिवाज, परंपरा, व्यवस्था आदि एक स्वस्थ समाज की प्रगति के सामने प्रगति के मार्ग में जब बाधा बनकर खड़ी होती है तब उन्हें अंधविश्वास अथवा कुसंस्कार मानना चाहिए। मतलब कि समाज में ऐसे कुछ रीति रिवाज है, ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो हमारे मतलब सामाजिक जीवन में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वस्थ समाज के प्रगति में जब बाधा उत्पन्न करती हैं तब हमें उसे क्या समझना चाहिए, उसे अंधविश्वास या कुसंस्कार समझना चाहिए, ठीक है। संस्कार जीवन को ऊपर उठाता है परंतु इसके स्थान पर कुछ संस्कार जब मानव सभ्यता को नवीन चिंतन मनन सहित समय के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर एक स्थिर अवस्था में रखते हैं तब उन्हें कुसंस्कार कहा जाता है। मतलब कि संस्कार जो होता है बेसिकली हमारे जीवन को हमें ऊपर उठाने में मदद करती है, परंतु जब कुछ ऐसे संस्कार जो हमें आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर ढकेले और हमारा जो हम लोग जो नए सोच अपनी जो नई सोच को नहीं डेवलप कर सके, समय के साथ अपने चिंतन को अपने सोच को नहीं बदल सके तो वो क्या कहलाती है, वो कुसंस्कार कहलाती है, ठीक है। कुसंस्कार मानव के चिंतन मनन का प्रसार होने नहीं देता। मतलब अगर आप हम मतलब 21st सेंचुरी में रहने के बाद भी आप 16th सेंचुरी का सोच लेकर के चलोगे, समय के साथ डेवलप नहीं करोगे, समय के साथ अपने सोच को नहीं बदलोगे तो वो क्या होता है, वो हमारे ही मतलब हमें ही आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे सोच को आगे बढ़ने से रोकता और हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। जो समाचार सत्य पर आधारित नहीं होता है परंतु अज्ञान के कारण अथवा लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जाता है तथा कुछ विवेकहीन और चिंतन शक्ति से रहित उन्हें सत्य मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तो उन्हें अफवाह कहते हैं, ठीक है। तो अफवाह किसे कहते हैं, देखिए अब समाज में बातें कैसे फैलती है, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, वो व्यक्ति किसी तीसरे को बताएगा, तीसरे ने किसी चौथे को बताया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी समाचार समाज में फैलती है, परंतु जब मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, ठीक है, और उत्तेजना उत्पन्न करने के कारण उद्देश्य से जानबूझकर अगर कोई न्यूज़ फैलाता है, कोई समाचार फैलाता है, और जब कुछ विवेकहीन मतलब विवेकहीन जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और चिंतन शक्ति से रहित मतलब जो सोचने समझ
समझने की शक्ति नहीं रखते हैं। वे क्या करते हैं, उन बातों को, उन बातों पर बिलीव कर लेते हैं, और ऐसी बातों को हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। मतलब कि किसी बात को, किसी ने आपको कोई एक बात बोली, ठीक है, और आप बिना सोचे समझे उस बात को सुन लेते हैं और प्लस उस पर बिलीव कर लेते हैं, फिर उसी बात को आप लोगों के, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, तो वो क्या होता है, अफवाह होता है। जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सअप जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ कुछ हम लोगों को क्या आता है, न्यूज़ आती है, ठीक है। व्हाट्सअप पे कोई कहीं से एक न्यूज़ फॉरवर्ड कर देता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ ऐसा टाइप का लिखा रहता है कि अगर आप इसे फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा, आपके भाई बहन को कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के फेक न्यूज़, मतलब एक कुछ लिख करके वो लोग फॉरवर्ड करते हैं, और हम लोग बेवकूफ़ की तरह क्या करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, उन न्यूज़ को दूसरों की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए कि उस बात का मतलब, उस बात में कुछ रियलिटी भी है या नहीं है, और जो हमें वो फॉरवर्ड करता है हमें उनको समझाना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को आप फॉरवर्ड मत करो, ऐसी नेगेटिविटी को खुद के ऊपर भी हावी होने मत दो और दूसरों तक ट्रांसफ़र भी मत करो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पुराने ज़माने से हमारे समाज में अंधविश्वास के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानडाबू की संधि के बाद जब असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, उसी समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ मिशनरी ऊपरी असम के सदिया आए थे, ठीक है। मतलब कि पुराने ज़माने में जब हमें और भी अंधविश्वास के कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानडाबू का जो संधि हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, असम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है। और उस समय कुछ मिशनरीज असम के सदिया ज़िले में आए थे, सदिया में आए थे, ठीक है। तो ये जो मिशनरी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जो ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले संस्था के लोग, ठीक है, ईसाई धर्म के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो संस्था होती है उसके लोग थे, तो उन्हें क्या कहते हैं, मिशनरी कहते हैं, ठीक है। वे असम आए थे, वहाँ उन्हें अनेक प्रतिकूल परिवेश का सामना करना पड़ा था। वहाँ की नम जलवायु अभ्यस्त न होने के कारण वे बीमार पड़ गए थे। मतलब कि वो मिशनरीज बाहर से आए थे, ठीक है, और क्या हुआ था कि असम की जलवायु कि वो मतलब असम का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग उससे वो अभ्यस्त नहीं थे। यहाँ की जो जलवायु थी बहुत नम थी, जिसके वजह से वो क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, और वे किससे पीड़ित हो गए, हैजा से पीड़ित हो गए थे, ठीक है। वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैजा से पीड़ित होने लगे थे। तो हैजा एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है, ठीक है। तो अभी जैसे कोरोना है, कोरोना भी क्या होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन फैलता है, तो हैजा भी एक ऐसी बीमारी थी जो फैलती थी। तो मिशनरी के थ्रू वहाँ के जो लोकल निवासी थे, स्थानीय निवासी थे, उन लोगों को भी हैजा हो गई थी, ठीक है। तो मिशनरियों ने क्या किया था, देखिए आगे देखते हैं। मिशनरियों ने स्थानीय निवासियों को हैजे के इलाज के लिए दवा दी थी, परंतु उन्होंने दवा खाने से इनकार किया था। वे विश्वास करते थे कि किसी अपदेवता के प्रभाव से हैजे जैसी बीमारी होती है, इसीलिए वे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे, वैद्य के पास जाकर तंत्र मंत्र द्वारा झाड़ फूँक किया करते थे, और दवा लेने के बाद बदले वैद्य का दिया हुआ मंत्रपूत पानी पीते थे। वह पानी पीने के कारण लोग और ज़्यादा मरने लगे थे। मतलब कि देखिए हुआ क्या था, बीमारी क्या थी, हैजे की बीमारी थी, ठीक है। मिशनरीज़ ने उन लोगों को दवाई भी दी खाने के लिए, बट उन लोगों ने क्या किया, उस दवाई को खाने से इनकार कर दिया, और क्या बिलीव करने लगे कि ये किसी अपदेवता का मीनिंग होता है ऐसे देवी देवता जो बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो किसी अपदेवता का प्रकोप है, इसीलिए हैजा जैसी बीमारी फैली है। तो वो क्या करने लगे, मेडिसिन खाने के बजाय वो क्या करने लगे, देवी देवता की पूजा करने लगे, वैद्य साधु के पास जाकर के तंत्र मंत्र विद्या करने लगे, झाड़ फूँक करवाने लगे, और जो वैद्य जी उनको तंत्र मंत्र करके जो मंत्रपूत मतलब कि मंत्र से अभिमंत्रित पानी उनको जो देते थे वो पीते थे, और उस पानी के वजह से ही बहुत सारे लोग और मरने लगे,
ठीक है। तो हुआ क्या था, यहाँ पे देखे हुआ क्या था, बीमारी हुई थी, ठीक है। बीमारी का इलाज मेडिसिन ही कर सकता है, जैसे कि अभी कोरोना फैला है, तो कोरोना का जब स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत सारे लोग घबराते थे लेने से, सोचते थे कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, बट आज के डेट में मोस्ट ऑफ पीपल्स ने इंडिया का मतलब 100 करोड़ जैसा वैक्सीनेशन हो चुका है आज के डेट में, ठीक है। तो यही कि हुआ क्या है, कोरोना हुआ है, बट अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं कोई महामारी है, मतलब किसी अपदेवता का प्रकोप है, तो इससे क्या होगा, हम लोग अपना इलाज भी नहीं कर पाएंगे, अपने सोसाइटी को भी ठीक नहीं कर पाएंगे, खुद तो मरेंगे मरेंगे, दूसरों को भी लेकर के मरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्या है, ये सारे अंधविश्वास है जो लोग मतलब कि कुछ भी बीमार होने से सोचते हैं, किसी ने नज़र लगा दिया, किसी ने कुछ मतलब जादू टोना कर दिया, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कुछ मतलब होती नहीं है लाइफ में, जादू टोना नज़र ये सब कुछ प्रैक्टिकली है नहीं, बट लोगों का ये क्या है, अंधविश्वास है जो पुराने समय से चलती आ रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, बीमारी के इलाज के लिए दवा लेना ज़रूरी है, इसके बदले उसे किसी अपदेवता का प्रभाव मानकर उसकी पूजा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, ऐसे विश्वास ही अंधविश्वास कहलाते हैं, ठीक ही है। अगर आपको बीमार हुआ है तो आप क्या लोगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, वहाँ से सजेशंस लोगे, मेडिसिन लोगे, फिर अपना ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं बीमारी नहीं है, किसी अपदेवता का प्रकोप है, तो उसके लिए पूजा पाठ करोगे, तो ये इससे बीमार आपका ठीक नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। और इस तरीके की जो मेंटेलिटी है लोगों की, वो ही क्या होती है, असल में अंधविश्वास कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ स्थानीय लोगों ने मिशनरियों का कहा मानकर उनकी दी हुई दवा ली थी, परंतु समाज के बाकी लोगों ने इन्हें जाति भ्रष्ट मानकर समाज से अलग कर दिया था। भिन्न धर्म को मानने वाले लोगों से कुछ लेकर खाने से जाति चली जाती है, ऐसा सोचना भी कुसंस्कार होता है। धर्म जाति आदि को लेकर हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार है, इन कुसंस्कारों के कारण समय समय पर समस्याएँ उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है कि देखिए, कुछ स्थानीय वहाँ के असम के जो कुछ सैदिया के कुछ जो लोकल पीपल थे, उन्होंने मिशनरियों से दवा लेकर के खाई थी, ठीक है। परंतु समाज के जो दूसरे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा समझदार लोग, ठीक है, उन लोगों ने उनको क्या किया, जाति भ्रष्ट कर मानकर समाज से निकाल दिया। मतलब पहले ऐसी मेंटिलिटी थी लोगों की कि अगर आप किसी और जात से लेकर के, किसी और कम्युनिटी के पीपल से लेकर के कुछ खा लेते हैं, तो आपका क्या होता है, जात चला जाता है। अरे जात क्या, मतलब दुकान में खरीदने वाला सामान होता है क्या, अगर मैं किसी से कुछ लेकर के खा लूँगी तो मेरा जाति चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी जो सोच है, यही क्या है, कुसंस्कार है, समझ में आया, यही वन काइंड ऑफ कुसंस्कार है। धर्म जाति आदि को लेकर के हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार है, आज भी ये विद्यमान है, आज भी लोग ये जाति पाति पे बिलीव करते हैं, बट एक्चुअली में होता नहीं है ये सब। ये सब लोगों की बनी बनाई अवधारणा है जो सदियों से लोग ढोते आ रहे हैं, खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। इन कुसंस्कार के कारण समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, कुसंस्कार की मतलब एग्जाम्पल्स है। और ये सब चीज़ें आप जब नोट्स बनाओगे या एग्ज़ाम में लिखोगे, तो ये सब चीज़ें पॉइंट पॉइंट वाइज आप लोग मेंशन करना, आप लोगों को मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डिवाइड एंड रूल, आप लोगों ने सुना ही होगा डिवाइड एंड रूल। तो दो लोगों को, दो कम्युनिटी को लड़ा करके तीसरा कोई फ़ायदा उठाता है, ये हमेशा से ही चलती आ रही है ये चीज़ें। और ये चीज़ फैमिलीज़ में भी होती है, सोसाइटीज़ में भी होती है। दो अगर दो फैमिलीज़ में अच्छा रिलेशनशिप है, तो कोई और उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, मतलब डिवाइड एंड रूल। तो ये जाति पाति एंड ऑल को लेकर के लोग यही मतलब करते हैं, दो लोगों को लड़ा करके तीसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे समाज में भूत को लेकर भी अनेक अंधविश्वास प्रचलित है। वर्तमान समय में भी गांव के निवासी अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि भूत रात को निकलता है, दिन में वट वृक्ष के नीचे बूढ़ा डाडरिया एक विशेष प्रकार का भूत निकलता है, झाड़ियों के बीच रहने वाली याखनियाँ खिलखिलाकर हंसती है, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे को भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, तालाब या नदी के किनारे जाने से रोकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पहले तो हमने देखा है अंधविश्वास, वो यान डाबू वाला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आ गया कि दूसरा अंधविश्वास क्या है, भूत का अंधविश्वास। मतलब आज भी लोग ये बिलीव करते हैं कि भूत जैसी कोई चीज़ होती है, बट साइंस ने भी मना किया है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब वर्तमान समय में भी अभी भी गांव गांव जैसे गांव देहात में ये भूत जैसे विश्वास है कि लोग कहते हैं कि रात को भूत निकलता है। बट वृक्ष, अब देखिए यहाँ पे ये बट वृक्ष का नाम लिया है कि बट वृक्ष के नीचे क्या है, बूढ़ा डाडरिया जैसा भूत निकलता है। अब जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जो हिंदू है वो लोग जानते ही होंगे कि बट वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, बट सावित्री की पूजा की जाती है। अगर जिस वृक्ष की पूजा हम लोग करेंगे वहाँ पे भूत आएगा क्या? हाँ, भूत आ सकता है क्या? जिस चीज़ की हम लोग पूजा करते हैं, जिस चीज़ पे इतने सारे मतलब धागे लिपटे रहते हैं, उस वृक्ष के नीचे मतलब भूत आ सकता है क्या? ये तो डेफिनेटली अंधविश्वास है। ठीक है, झाड़ियों के बीच में रहने वाली याखनियाँ, मतलब लोग कहते हैं कि झाड़ियों के पीछे राक्षस याखनियाँ रहती है, और बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, यही सब भूत का डर दिखा करके छोटे बच्चों को नदी तालाब के किनारे जाने से रोकते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, सुला हैं। बट वो लोग ये नहीं जानते कि ये सब करके वो बच्चों के मन में भूत जैसा मतलब जो अदृश्य चीज़ है जिसको किसी ने देखा ही नहीं, ऐसे बिलीफ सिस्टम को वो लोग फिट कर देते हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को भूत आगे देखते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग कभी सोचते नहीं कि बच्चों के मन में वे जिन भ्रमों को विश्वास के रूप में डालने की कोशिश में लगे रहे हैं, वे बच्चे बड़े होने पर भी उन विश्वासों को मन से निकाल नहीं पाते, बल्कि अंधविश्वास के रूप में वे भ्रम बस जाते हैं। फलस्वरूप शाम के बाद उन्हें अकेले बाहर निकलने में, सुनसान जगह के पास से गुजरने में डर लगता है। सिर्फ गाँव के बच्चों के मन में ही नहीं, बल्कि शहर के बच्चों के मन में भी, और केवल बच्चों के ही क्यों, बड़ों के मन भी भूत का डर बसता है। यह अंधविश्वास है क्योंकि विज्ञान भूत, प्रेत, डाकनी, याक्षिणी आदि के अस्तित्व को नकारता है। सही है, अगर किसी बच्चे को हम लोग बचपन से ही भूत भूत करके डराए उसे, तो डेफिनेटली वो बात क्या होती है, हमारे मन में बस जाती है। हमारे जो दादा दादी नाना नानी हमें भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं, परियों की कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे मन में बैठ जाती है और भ्रम हमारे मन में आ जाता है। फिर बड़े होने के बाद भी वो चीज़ें हमारे मन से नहीं जाती है, हम कहीं सुनसान जगह पे अकेले नहीं जा सकते, रास्ते पहरे अकेले नहीं जा सकते, तो ऐसे ऐसे मतलब अंधविश्वास को बड़ों को ही बच्चों के मन में नहीं डालना चाहिए। और ये भूत जैसे भूत, प्रेत, डाकनी, याक्षिणी, ये सबको विज्ञान ने भी नकारा है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में हमारे समाज में, खासकर गांव के समाज में, डायन का अंधविश्वास पुनः पनपने लगा है। इसके फलस्वरूप अनेक अनचाही परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई है, सामूहिक संघर्ष तथा हत्या जैसी घटनाएं भी संगठित हुई है। ठीक है, दरअसल डायन का अंधविश्वास एक काल्पनिक आतंक है, एक सामाजिक व्याधि स्वरूप है। ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई बीमार है, दवा दारू की व्यवस्था की गई परंतु उसका असर नहीं दिख रहा, शायद सही इलाज नहीं हो पाया, परंतु कोई अफवाह फैला देता है कि डायन के प्रभाव के कारण बीमारी हुई है। अफवाह व्यापक रूप ले लेती है। डायन कहकर जिस व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, लोग उसे दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ विशेष परंतु छोटी मोटी घटनाएं आप देवता के प्रभाव के कारण मानने लगते हैं। दरअसल डायन के रूप में चिन्हित उस व्यक्ति के जीवन में सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं होता। विज्ञान को आज तक ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला
कुछ प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी को डायन बताकर उसे रास्ते से हटाने के लिए लोगों को भड़काते हैं। कुछ लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और जैसा वे कहते हैं वैसा ही विश्वास कर लेते हैं। यही अंधविश्वास है। ठीक है, तो समाज में भी क्या है, अभी वर्तमान समय में भी हमारे समाज में, खास करके गाँव देहात जैसी एरियाज़ में, ठीक है, जो अंडर डेवलप है, जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं है, मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं गई है, वहाँ पर आज की डेट में भी लोग क्या डायन का अंधविश्वास पाल के रखे हैं कि मतलब डायन जैसी कोई चीज़ होती है। सपोज़ किसी के घर में कोई बीमार हो गया और इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो लोग कहते हैं कि डायन का प्रकोप है। ठीक है, और ऐसा मतलब देखिए, अगर बीमारी हुई है और दवाई से ठीक नहीं हो रही है तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि प्रॉपर मेडिकेशन नहीं किया होगा या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की गई होगी या उसको जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला है। ठीक है, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं हुई है। और किसी किसी के बॉडी को भी मतलब मेडिसिन को ऑब्जर्व करने में और मेडिसिन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए बीमारी ठीक होने में भी टाइम लगती है। बट लोग क्या कह देते हैं कि नहीं, किसी डायन का प्रकोप है, किसी का नज़र लग गया है, इसलिए ये ठीक नहीं हो रही है। और ऐसा कहकर क्या करते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ों को समाज में फैलाते हैं और किसी से अगर बदला लेना हो तो उसे डायन कहकर संबोधित करते हैं और उसके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब रियल में कुछ होता नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने भी ये डायन जैसी चीज़ों को नकारा है कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिला है कि डायन जैसी कोई चीज़ होती भी है दुनिया में या नज़र जैसी कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है, कुसंस्कार है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे देखिए, कभी कभी समाज में अफवाह फैल जाती है कि किसी के शरीर में किसी ऐश्वर्यिक शक्ति का, जैसे माता का, शिव का प्रवेश होता है। ऐसे व्यक्ति के आचरण में कुछ विशेष दृष्टिगोचर होती है। कहा जाता है कि जिसके शरीर में किसी ऐश्वर्यिक शक्ति का, माता का अथवा शिव का प्रवेश हुआ है, उससे उसके छू देने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। समस्याओं से जकड़े हुए कोई उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वह अपने हाथों से किसी को पानी पिलाता है तो उसका सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, वह सौभाग्यवान हो जाता है। अचरज की बात तो यह है कि 21वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में भी ऐसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करने के लिए, उसके हाथों से पानी पीने के लिए, हाथों में कीमती स्मार्टफोन लिए उच्च शिक्षित लोगों की भीड़ लगी रहती है। उसका दिया हुआ पानी कितना प्रदूषित है कहा नहीं जा सकता, परंतु सौभाग्य की कामना करने वाले लोग वहीं पानी परम श्रद्धा से पीते हैं। दरअसल यह अंधविश्वास है। कुछ शातिर लोग पैसे कमाने के लिए बड़ी चालाकी से ऐसे काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा भी समाज में कहा जाता है कि ऐसे कुछ अफवाहें फैले हैं कि किसी के भीतर माता आती है या भगवान आते हैं। ठीक है, और मतलब कि मतलब ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आसपास में ही या दूर दराज में ही किसी के शरीर में माता आते हैं और लोग उस इंसान से मिलने जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उस इंसान ने अपने हाथ से पानी दे दिया या आशीर्वाद दे दिया तो आदमी का क्या होगा, सौभाग्य ही बदल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और सबसे मतलब बुरी बात तो ये है, जो लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हाथ में स्मार्टफोन लेकर के घूमते हैं, वो लोग भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि वो हमें अभिमंत्रित पानी देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारा भाग्य बदलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जानते कि वो पानी जो आपको दे रहा है वो पानी कितनी प्रदूषित है, उससे आपके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है। और ये सब, ये जो अफवाहें हैं, ये जो अंधविश्वास, लोग कुछ शातिर प्रवृत्ति के लोग मतलब पैसा कमाने के लिए ऐसे अंधविश्वास को फैलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर लोग पैसा लुटाने से भी बाज नहीं आते। रास्ते में कोई गरीब भिखारी बैठा रहेगा तो उसे 1 रुपया किसी को देने के लिए पॉकेट से नहीं निकलेगा, बट किसी कहीं से सुन लेंगे कि नहीं, किसी के अंदर माता आती है, भगवान आते हैं, तो वहाँ पर जाके लाखों रुपये लुटा करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है, इन सब पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इस लेशन का क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और पसंद आया तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।